हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और यूट्यूब के इस हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने व्हाट्सएप को पीसी पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप अपने व्हाट्सएप को पीसी पे चलाना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल है और वो आपका खराब हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक बार अपने जो है कंप्यूटर पे लॉगिन कर लीजिए, फिर आपको जो है अपने मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर पे ही अपने व्हाट्सएप को चला सकते हैं और बड़ी ही आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि अपने व्हाट्सएप को पीसी पे लॉगिन कैसे करते हैं और कैसे चलाते हैं तो फिर इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हम इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीके से हम अपने पीसी पे चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से एक सब्सक्राइब बटन आपके सामने आता है। आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSE इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि संबंधित वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आपको बिना समय गवाए जल्दी से हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जैसा ये व्हाट्सएप हमारा मोबाइल में लॉगिन है, इसी तरीके से हम अपने व्हाट्सएप को जो है पीसी में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में चलते हैं, अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो चलिए, हम जो है क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो हम इसे ओपन करा लेते हैं। सो देखिए, जैसे आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट्सएप वेब। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं और यहाँ पे इसे सर्च करिए। यहाँ पे देखिए, ये पहला जो लिंक आ रहा है वेबसाइट का, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। आपको इस वेबसाइट को जो है ओपन करा लेना है। चलिए हम इसे ओपन करा लेते हैं। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन कराएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका पेज आपके सामने खुल के यहाँ पे आएगा। ये देखिए लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे लॉगिन करना है। सो लॉगिन आप कैसे करेंगे, ये देखिए, जैसा कि आपका ये मोबाइल है तो यहाँ पे जो तीन बिंदी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको, यहाँ पे आपको ये थ्री बिंदी है, यहाँ पे आपको इन पे क्लिक करना है। तो चलिए इन पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप ऐप वेब। यहाँ पे देखिए, आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। चलिए हम, और यहाँ पे देखिए ये कोड है जो इसे स्कैन कराना है। तो अपने मोबाइल का जो कंप्यूटर पे कोड है, हम इसे क्या करते हैं, स्कैन करा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोड स्कैन कराएंगे। ये देखिए, स्कैन हो गया है हमारा। और ये देखिए, जैसा कि हमारे मोबाइल में आ रहा है सिम, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप आ गया है। यहाँ पे देखिए, हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका फ्रेंड है, जिसने भी आपको कुछ भेजा है, तो यहाँ पे हम उसकी चैट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम किसी को व्हाट्सएप पे कुछ भेजना चाहते हैं तो वो भी आसानी से जो है भेज सकते हैं, इस जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी लॉग इन हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसका पासवर्ड यहाँ से सेव कर लेना है, ऐसे भविष्य में कभी जो है आप इसे ओपन करें तो आपको जो है दोबारा इस तरीके से फिर से जो है इस कोड को फिर से वेरीफाई ना कराना पड़े। ठीक है, तो आप इसे पासवर्ड को एक बार सेव कर लीजिए, या फिर अपने कंप्यूटर को जो है कभी रिसेट मत कीजिए इसकी सेटिंग्स को, तो ये आपके कंप्यूटर में हमेशा लॉग इन रहेगा और जो है आप इसका यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो आप बड़ी ही आसानी से इस तरीके से अपने व्हाट्सएप को अपने पीसी में लॉगिन करा सकते हैं। जैसे ही आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और जैसे ही आप ये व्हाट्सएप वेब जो है डालेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको अगले जो है टैब में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं व्हाट्सएप वेब ओपन करूंगा। और यहाँ पे देखिए, मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए, पहला वेबसाइट मैं इसे ओपन करा लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये सीधा जो है कंप्यूटर पे व्हाट्सएप ही मेरा आएगा, ना कि मुझसे कोड वेरीफाई कराने को बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये देखिए, सीधा मेरा व्हाट्सएप ओपन होके आ गया। सो दोस्तों, इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। चाहे आपका मोबाइल अब कभी भी खराब हो जाए या डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब आपको अपने मोबाइल से कोई मतलब नहीं है। अब जो है आपके कंप्यूटर में ये लॉगिन हो गया है, तो आप बड़ी ही आसानी से इसको यूज करें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।